बढ़ाने का इलाज कितने महीने चलेगा, ऐसा बार बार सवाल हमारे पेशेंट्स जो मेरे पास में आते हैं वो करते रहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन से इलाज करते रहते हैं, थक जाते हैं, अलग अलग दवाइयाँ लेते रहते हैं और बोलते कि भाई ठीक नहीं हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा दवाई लिया तो ठीक हो जाता है, दवाई बंद करने के बाद में फिर चालू हो जाता है। लोग मुझे पूछते भी आपकी भी दवाई हम लेते हैं तो कितने महीने तक इलाज चलेगा टाइमिंग बढ़ाने का, तो बोलता हूँ देखो आपको दवाई तो लेना ही है और दवाई के साथ साथ आपको मैं बाकी जो बोलता हूँ ट्रीटमेंट, काउंसिलिंग है, बिहेवियर थेरेपी है, एक्सरसाइजेस है, वो भी आपको करनी है तो ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि आपने दवा ले लिया तो बस ठीक हो गया, और फिर लोग दवा लेते रहते हैं, मेरा मानते नहीं है, दवा लेते रहते हैं और फिर बोलते देखो फ़ायदा नहीं हो। सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है कि देखो आपको बॉडी बनाना है, स्ट्रांग करना है और टिकना है ज़्यादा समय तक फिजिकली, तो आपको जिम जाना पड़ेगा। और जिम जाने के बाद में आप बोलेंगे देखो 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैं आपने जो बोला वो डाइट खा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बॉडी तो नहीं बन रही है। तो बॉडी बनेगी नहीं 4-8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में बॉडी नहीं बनेगी। आपको 4-6 महीना जाना पड़ेगा, रेगुलर जाना पड़ेगा, उसके जो बता रहे भाई तरीके खाने के वो अपनाने पड़ेंगे और बाद में आपकी बॉडी बनेगी। मतलब जिम का जो कोच है, वो जो आपको कोचिंग कर रहा है, वो सीखना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा। यहाँ होता क्या, लोग बोलते नहीं नहीं मैं मेरे मिसेस को नहीं बताऊँगा, पत्नी को नहीं बताऊँगा, उसको नहीं लाऊँगा, उसको शर्म आती है, उसको मालूम नहीं है, मतलब ऐसे कुछ तो भी बताएंगे और बोले मेरा अकेले का इलाज करो। तो ये सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम हमको जो फेस करना पड़ता है कि लोग बोलते हैं हमारा अकेले का इलाज करो। दोनों यदि आते हैं पति पत्नी तो इलाज बहुत जल्दी आसान और लंबे चलने वाला अच्छा इलाज हो सकता है, कि लंबे टिकने वाला, मतलब बाद में दवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेले आके नहीं होता है इलाज, मगर लोग आते हैं फिर हमको मजबूरी में, ठीक है भाई आप अभी नहीं आ रहे हैं, नहीं ला सकते हैं तो फिर क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि पति पत्नी दोनों का इलाज होना जरूरी है, नंबर वन। नंबर दो, पत्नी को क्लियरली बोलना जरूरी है अपने पार्टनर को कि भाई देखो ये ऐसा हो रहा है और ये इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ और आपका साथ लगेगा, इसका उसका साथ लेना जरूरी है, उसकी साथ जरूरी है। फिर तीसरा जो है कि उसका कारण हमको ढूंढना पड़ता है कि भाई कारण क्या है प्री मैच्योर इजैकुलेशन का। जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है उसका कारण हो सकता है कि उसको मन में एक डर बैठ गया, एंग्जाइटी हो गई, एक निगेटिव थाट अंदर घुस गया कि नहीं भाई मेरा जल्दी गिर जाता है, डर लग रहा है, और वो डर के मारे ही वो फटाफट बाहर आ जाता है, वो कारण हो सकता है। पेनिस सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिनको फाइमोसिस होता है ना, मतलब चमड़ी जो है ऐसी पूरी ऊपर आ जाती है, ऐसे पूरी ऐसी ऊपर आ जाएगी, तो चमड़ी बहुत सेंसिटिव होती है, थोड़ा भी टच कर दिया तो फटाक से वो वीर्य निकल जाएगा, तो उसके लिए फिर सर्कमसीजन करना पड़ेगा यदि सेंसिटिव है तो। यदि आपको डायबिटीज है उसका इलाज करना पड़ेगा, थायराइड है उसका इलाज करना पड़ेगा, साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है मतलब टाइटनेस जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। तो ये सब इलाज करने होंगे। और जब ये करते हैं तो जो हम एक्सरसाइज बोलते हैं करने के लिए साथ में दोनों ने, वो करनी होगी। जैसा हम बोलते कि नहीं आप क्या करो, फोर प्ले का टाइमिंग बढ़ाओ, फोर प्ले 10 से 15 मिनट तक करो। लोग बोलते नहीं इतना कहाँ टाइम मिलता है, गर्लफ्रेंड है बस 5 मिनट में सब करना पड़ता है। बोले भी आपने टाइम ही 5 मिनट दिया है और बोलते लंबा चलना चाहिए कैसे क्या, तो ये होता नहीं है। तो फोर प्ले 10 से 15 मिनट करना चाहिए। फिर फोर प्ले में क्लाइट्रोल स्टिमुलेशन है, वजाइनल स्टिमुलेशन है, फिंगरिंग वो करना चाहिए। फिर फीमेल सुपीरियर पोजीशन आप करते हो तो, और उसके लिए पार्टनर का कोऑपरेशन होना जरूरी है। फिर आप स्प्रे मारते हो, मलम लगाते हो तो वो, फिर बाद में आपको जो कंडीशनिंग हो चुका है, कंडीशनिंग कि भाई मतलब क्या होता है कि दिमाग में वो एक्टिविटी इतनी फास्ट हो जाती है, दिमाग में एक्साइटमेंट इतना फास्ट हो जाता है कि वो जल्दी फेंका जाता है, तो वो दिमाग को कैसा शांत करेंगे, मतलब पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी जो है ब्रेन की उसको स्टिमुलेशन होना जरूरी है, उसका स्टिमुलेशन, उसके लिए माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज है। तो माइंडफुलनेस का प्रयोग आप कैसा करेंगे, अपने आप को कैसे रिलैक्स करेंगे, और वो सीखना होगा। ऐसा मैं हिप्नोसिस लोगों को सिखाता हूँ कि आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो अपने दिमाग को कैसा शांत रखें, दिमाग को कैसा रिलैक्स करें, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा तो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो भी रिलैक्स हो जाएंगे, उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएंगे, डर कम हो जाएगा। तो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करो, हिप्नोटिक सजेशंस देना है, माइंड डाइवर्ट करना, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट लाना, थॉट लाना, ताकि इधर का ख्याल और कहीं चले जाएगा, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, ये सब मेरे अलग अलग जगह वीडियो है, मैं अभी समराइज कर रहा हूँ। स्क्वीज टेक्निक, पहले मैंने बताया फीमेल सुपीरियर पोजीशन, तो ये सब करना होगा। फिर हम बोलते हैं कीगल्स एक्सरसाइज करो, मतलब पेल्विक फ्लोर जो है नीचे के, वो मसल्स जो है वो वीक है, अभी वो यदि मसल स्ट्रांग करना है आपको तो उसको भी टाइम तो लगेगा ही ना, बिना टाइम का कैसे होगा। तो पेल्विक मसल
स्ट्रांग करने के लिए कीगल्स एक्सरसाइज है वो करो। फिर खाने पीने में जैसे एक्सरसाइज आप करते हो फिजिकल एक्सरसाइज रोज 30-40 मिनट, फिर तंबाकू शराब का सेवन नहीं करना, खाने पीने में ज़्यादा प्रोटीन युक्त जो पदार्थ है जो है प्रोटीन्स, नॉनवेज खाने वाला होगा तो फिश है, मटन है, एक चिकन कोई भी, मतलब जैसा नॉनवेज में ज़्यादा फिश खाए तो अच्छा है। और यदि वेजिटेरियन है तो पनीर खाओ, मूंगफली फली दाने गुड़ तो वो खाओ, चीज़ बटर पनीर ये आइटम आप खाते हैं, सब तरह की दाल यानी मूंग दाल तुअर दाल चना दाल तो इसकी दाल मतलब तड़का दाल तड़का खाते हैं आप खाने में। फिर हरी सब्जियां, विटामिन D3 का ज़्यादा सेवन, कैल्शियम विटामिन D3 विटामिन B12 विटामिन B1 ये सब मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स की कुछ गोलियां लेते हो आप या फिर उसका खाने में सेवन ज़्यादा करते हो तो उसमें फिर कैरेट है गाजर फिर कद्दू ऐसे अलग अलग टमाटर खाते हो मतलब ऐसे अलग अलग सब तरह की सब्जियां हरी सब्जियां पालक है तो ये सब्जियां आप खाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ेगी और आप टिक पाओगे। अभी उसके साथ साथ हम देते हैं लोगों को दवाई जैसे SSR है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर, उसमें डेपॉक्सिटिन पैरोक्सिटिन फ्लुओक्सिटिन ये सब दवाई, डायजीपाम थायराइडेजिन फिर क्लोमिप्रेमिन सब ये दवाई देते हैं, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन साथ में है तो फिर उसको सिल्डेनाफिल टैडालाफिल भी देनी पड़ती है। तो ये सब का मिश्रण करते आराम आराम से शांति से आप इलाज करते हो तो ये हरदम के लिए इसका इलाज हो जाएगा और हरदम आपको फिर दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हरदम के लिए। मगर आप बाकी कुछ मानोगे नहीं, बस क्या बहुत दूर से मेरे पास में पेशेंट आते, मैं पूछता हूँ कहाँ से आए, बोले उड़ीसा से आए, कहाँ से आए, बोले गुवाहाटी से आए, कहाँ से आए, बोले चेन्नई से तमिलनाडु से आए, जाना कब है, बोले बस 2 घंटे में गाड़ी है। अरे ये क्या लगा है, आप 24 घंटे 48 घंटे सफ़र करके मेरे पास में आते हो और मेरे पास में कोई जादू की कांडी नहीं है कि भाई मैं घुमाऊं और आपका ठीक हो जाएगा। बोलते नहीं अभी कब जाना है, बोले अभी बस 3 बजे गाड़ी है। बोलते आया कितना, अभी कितना हो गया, 12 बज गए, 3 बजे गाड़ी है, अभी करो जल्दी मेरे को जाना है, मतलब सेक्स में भी जल्दी है यहाँ भी जल्दी है सब तरह जल्दी, और फिर होता नहीं काम और फिर चिल्लाते कि नहीं फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपको सिर्फ दवा लेने के लिए आना है तो आप मेरे को फ़ोन करते, मैं आपको दवा बोल देता फ़ोन से कि दवा ले लो, यहाँ आने की क्या जरूरत है उसके लिए। उसके साथ साथ आप कोई मेडिसिन लेते हो तो वो मेडिसिन कुछ बंद करनी पड़ेंगी कुछ चालू करनी पड़ेंगी और फिर टाइम देना पड़ेगा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, जो कंडीशनिंग हुआ है दिमाग में उसको डीकंडीशनिंग करना, पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना, पार्टनर का सहयोग लेना और जितनी भी कंडीशन है फास्ट करने की वो सब निकाल देना पड़ता है। कौन से लोग बोलते नहीं खेत में जाते वहाँ कर लेते, होटल में जाएंगे वहाँ कर लेते, वेश्या के पास में जाके वहाँ करते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि जब हम कोई वेश्या के पास में जाते हैं सेक्स वर्कर के पास में जाते हैं तो पहले पैसे ले लेती है वो 1,000, 1,500, 2,000 जैसी भी क्वालिटी होंगी वो हिसाब से, और फिर बोलती है पैसे लेने के बाद में जल्दी करो पुलिस आएंगी, ऐसा लोग बोलते रहते हैं, और फिर जल्दी करो बोले तो और जल्दी इरेक्शन नहीं हुआ बोलते तुम आदमी में नहीं हो चलो जाओ 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 जल्दी जाओ चलो निकल जाओ ऐसा करके हकल देती है। होटल में जाते हो तो वही डर है वहाँ की जो होटल की मतलब होटल वाले कुछ होटल वाली लड़कियाँ प्रोवाइड करते हैं और फिर वही बोलती है कि नहीं नहीं होटल में तो पुलिस कभी भी आ सकती है और जल्दी करो, मतलब उनको तो बस एक बार पैसे मिल गए कि जाने के है और फिर लोग बोलते हैं कि मेरे को ऐसा जल्दी हो रहा है। फिर क्या हो गया, एक बार वो आदत लग गई कि मेरे को जल्दी गिर जाता है, एक बार वो दिमाग में घुस गया कि अपना जल्दी गिर जाता है उसका एक बार कंडीशनिंग हो गया, शादी के बाद में भी वही होता है। तो पहले से हमने वो देखना चाहिए कि भाई कंडीशनिंग नहीं होना चाहिए। लोग हस्तमैथुन करते हैं हैंड प्रैक्टिस मुट्ठी मारना, उसमें भी वही होता है, छोटा घर है प्राइवेसी मिलती नहीं है कमरा अलग नहीं है, इच्छा तो होती है फिर लैट्रिन में जाएंगे तो वहाँ मुट्ठी मारेंगे, बाथरूम में जाएंगे वहाँ मुट्ठी मारेंगे, कहीं तो भी फटाफट कर लेंगे, फिर क्या होता है वो आदत बन जाती है कि जल्दी गिरने की जल्दी फेंकने की और फिर वही कैरी होती है। तो ये इसका इलाज डीकंडीशनिंग है, काउंसिलिंग है, एक्सरसाइजेस है, वो करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर बाद में फिर दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि जल्दी गिरने से फिर झंझट झगड़ा वाइफ की इच्छा नहीं होना, फिर वो बोलती है कि मुझे तो कोई मज़ा नहीं आ रहा है आप तो कर लेते हैं निकल जाते हैं, फिर घर में झंझट हो गई तो फिर बाहर आदमी फिर ये करता है कि भाई बाहर करके देखो, फिर औरत का फिर शक आना फिर और झगड़े ऐसे सब चालू रहता है। तो कभी भी आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो आपने शांति से समय देना चाहिए और आराम आराम से इलाज करना जरूरी है।
आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो कॉल, यहाँ लोग हॉस्पिटल में आते रहते हैं, तो आप वो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इतने दूर अकोला में भी 24 घंटे 48 घंटे सफ़र करके लोग आते हैं, कोई जरूरत नहीं आने की, ऑनलाइन करो कंसल्ट, नीचे नंबर दिया है उसके ऊपर कॉल करो, वीडियो कॉल करके मैं देख लेता हूँ, तपास लेता हूँ, ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम है क्या मैं देख लेता हूँ, और बाद में फिर दवा प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत, बोलता कि आपके वहाँ कर लो जांच, कर लो तपास, कर लो डॉक्टर टेस्ट करना है कर लो, ब्लड टेस्ट करना है कर लो, मुझे रिपोर्ट बताओ, तो ऐसा है संभव है। और फिर हमारे काउंसिलिंग के सेशन होते हैं, वो भी ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें भी फिर हिस्सा लो और अपने आप को ठीक करो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे जो 100 लोग मेरे पास में आते हैं, तो 100 लोगों में से वेबिनार्स में आते हैं मेरे यहाँ आते हैं, 100 लोगों में से 90 लोग ये बोलते हैं कि हमको जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो लोगों को ये वीडियो सर्कुलेट करो, फायदा होगा और लोगों के झगड़े बच जाएंगे, लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।